जनाब वज़ीर कानून साहब, जनाब वज़ीर जेल खाना जात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, आईजी प्रिजन, स्टाफ, असीरान, तमाम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। आज का दिन बेहद अहमियत का हामिल है। आज हम रबीउल अव्वल की मुनासिबत से पहली मरतबा जेल में अशराए शाने रहमतुल्लिल आलमीन मनाने की रवायत का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस इंसानी सोच से बालातर है और किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की हिदायत पर मुल्क भर में बिलखसूस पंजाब में अशराए रहमतुल्लिल आलमीन का आगाज़ हो चुका है। सूबा भर में हुस्न किरात, नात, तकारीर, महाफिल मिलाद, नातिया मुशायरे, उलमा व मशायख के कॉन्फ्रेंसेस व दीगर तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं। जैसा कि मैंने बयान किया कि हमने सूबे भर की जेलों में अशराए रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का फ़ैसला किया है और चूंकि ये रहमतुल्लिल आलमीन से मंसूब है तो जेलों में मौजूद कैदी ये गैर इंसानी हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वो रहमतों और बरकत के असरात से कैसे महरूम रह सकते हैं। हमने फैसला किया है कि 1894 के कानून जो कि 127 साल पुराने हैं, जिसमें जेल के कवानीन, कवायद और रवायात हैं, उनको तब्दील किया जाएगा और कैदियों के लिए इंसानी हकूक़ के तहफ़ यकीनी बनाया जाएगा। और इन्हें काबिल नफ़रत बनाने की बजाय माशरे का मुफीद शहरी बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। कैदी काबिल नफ़रत नहीं होते, सिर्फ जुर्म काबिल नफ़रत होता है। इनके इसलाह और माशरे का कारामद शहरी बनाने पर तवज्जो देंगे। तो आज मैं कुछ जो जेल के असीरान हैं और जो कुछ स्टाफ के लोग हैं उनके लिए कुछ पैकेज का ऐलान करना चाहूँगा। आज हम सिर्फ कैदियों के लिए ही नहीं बल्कि जेल के तमाम स्टाफ के लिए मराती पैकेज का ऐलान करेंगे, जिसकी मालियत 5.5 अरब रुपए बनती है। मैं सबसे पहले कैदियों के हवाले से इकदाम का जिक्र करना चाहूँगा कि जेल में कैदियों के लिए सबसे बड़ा मसला कंटीन का होता है, जहाँ सच पूछें तो मजबूर कैदियों को लूटा जाता था। और हम इंशाअल्लाह इस कल्चर को तब्दील कर रहे हैं और हर जेल कंटीन में मियारी अशिया की मुकर्रर नर्ख पर फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा कैदियों को मैट्रेस, कंबल और तकिया रखने की भी इजाज़त दी जाएगी। सख्त सर्दी के मौसम में असीरान के लिए ठंडे पानी का मसला होता था, तो उसके लिए इंशाअल्लाह पंजाब की तमाम जेलों में गीज़र नस्ल किए जाएंगे। तमाम जेलों में LCD टीवी केबल नेटवर्क के ज़रिए न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल्स दिखाए जाएंगे, जिसका इफ्तिताह आज अभी हमने यहाँ से किया। जेलों में सेल और बैरकों में एयर कूलर, एग्जॉस्ट फैन, LED लाइट्स और इजाफी पंखे नस्ब किए जाएंगे ताकि कैदियों को मौसम की सख्ती का सामना न करना पड़े। इंडस्ट्रीज के तावन से जेलों में कैदियों की तैयारशुदा मसनूआत की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम हर कैदी को माहाना बुनियाद पर दी जाएगी। नादार गरीब कैदियों के साथ साथ कम उम्र असीरान को भी PCO से अहले खाना से गुफ्तगू करने के लिए फ़ोन की सहूलत मुयस्सर की जाएगी। ख़वातीन कैदियों को ज़रूरत की तमाम अशिया फराहम की जाएंगी और उसके साथ साथ 6 साल तक बच्चों के लिए तालीम और तफरीही सहूलियात, डे केयर सेंटर का एहतमाम किया जाएगा और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कम सन कैदियों के हकूक़ का तहफ़ यकीनी बनाया जाएगा
और इनके इस्तेहसाल की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब प्रिजन फाउंडेशन के इश्तराक से कैदियों के लिए स्पोर्ट्स व दीगर तफरीहात के लिए एहतमाम किया जाएगा। महकमा सेहत हर माह तमाम जेलों में कैदियों के लिए मेडिकल कैंप लगाएगी। जेल हस्पतालों में इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए जदीद आलात और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। डॉक्टरों और अमले की खाली असामियों को फौरी तौर पर पुर किया जाएगा और डॉक्टर्स को तनख्वाह के साथ साथ खसूसी अलाउंस भी दिया जाएगा। एमरजेंसी की सूरत में कैदियों को हस्पताल मुंतकिल करने के लिए हर जेल में एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाएगी। लोड शेडिंग और बिजली और ख़राबी के अमूर को हल करने के लिए पंजाब भर के तमाम जेलों को इंशाअल्लाह सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। हर साल रमज़ानुल मुबारक में कैदियों की दियत जुर्माने की अदायगी का मरबूत और मुनज़्ज़म सिस्टम वज़ा किया जाएगा ताकि मामूली जराइम में कैद नादार कैदी बिलावजह कैद काटने पर मजबूर ना हो। लावारिस नादार और गरीब कैदियों के लिए महकमा कानून और प्रोसिक्यूशन की मावनत से मुफ्त कानूनी इमदाद और वकला का तकर्रुर किया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से हुकूमत पंजाब की तरफ से कैदियों को 60 यौम की आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है। माजूर बीमार बुज़ुर्ग कैदियों की रिहाई के इकदामात के लिए हमने पैरोल कमेटी कायम कर दी है ताकि इन कैदियों की बिला वजह कैद की सज़ा न काटनी पड़े। सूबा भर के जेलों में कैदियों की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद बैरक्स भी बनाए जाएंगे। कैदियों की लवाहिकीन से मुलाकात में जेल अमला व दीगर अवामिल हायल होते हैं, हम इस अमर में आसानी पैदा करने के लिए काबिल अमल इकदामात करेंगे। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अशरा रहमतुल्लिल आलमीन की मुनासबत से कैदियों के साथ साथ जेल स्टाफ को भी पैकेज दिया जाएगा और उसकी सर्विस को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। मैं सबसे पहले जेल मुलाजमीन की तनख्वाहें और अलाउंसेज के साथ साथ एक इजाफी रनिंग पे के बराबर प्रिजनर सिक्योरिटी अलाउंस देने का ऐलान करता हूँ, जिसका तखमीना 2,76,40,00,000 रुपए बनती है। जेल वार्डन, हेड वार्डन और चीफ वार्डन की पोस्टों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी जाती है। महकमाना जेल खाना जात को 21 ऑपरेशनल गाड़ियों की मंजूरी दी जाती है, जिनका तखमीना 10,64,00,000 रुपए है। हम पुलिस शोधा पैकेज के तर्ज पर जेल शोधा के मुरवजा पैकेज में इजाफा कर रहे हैं और पंजाब प्रिजन सर्विस के शोधा के बच्चों को सरकारी मुलाजमत भी दी जाएगी। पंजाब प्रिजनर फाउंडेशन के इश्तराक से जेल मुलाजमीन के बच्चों को स्कॉलरशिप्स, जहेज़ फंड और मेडिकल अलाउंस फंड भी दिया जाएगा और हर जेल को 2-2 जेल वैन भी दी जाएंगी और 72 वैन की फरामी पर मजमूई तौर पर 91,40,00,000 रुपए लगा जाएगी। कैदियों के लिए 227 प्रिजनर वैन की मरम्मत और बहाली का काम किया जा रहा है। इसमें कैदियों के लिए पंखे, एग्जास्ट और नई सीटें लगाई जा रही हैं, जिसका तखमीना 7,17,00,000 रुपए बनती है। पंजाब की तमाम जेलों में रहमतुल्लिल आलमीन की मुनासिबत से रहमतुल्लिल हफ्ते रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है और तमाम कैदियों के माबैन तिलावत कुरान पाक और सीरत नबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तकरीरी मुकाबला जात और नात खानी के मुकाबले कराए जाएंगे और कैदियों को इनामात भी दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मखलूक के लिए रहमत बनकर आए हैं और आज हमें अशरा रहमतुल आलमीन ही मनाना ही नहीं बल्कि अपनाना भी है।
कैदी इंसान हैं और इन्हें इंसानों की तरह तरबियत किया जाना चाहिए, यही नबी करीम की सुन्नत और तालीमात भी है। और आखिर में मैं वज़ीर जेलखाना जात फयाज़ चौहान साहब, वज़ीर कानून राजा बिशारत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की इन तमाम काविशों की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस पूरे पैकेज में अपना इनपुट दिया, अपनी मेहनत की, और आज आप लोगों के लिए जो ये पैकेज अनाउंस हुआ है इनमें इनका खसूसी किरदार है। मैं ये काबिल तारीफ़ है और इनके लिए मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।